हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखने वाले हैं। और आज का सेशन में हम लोग साइंस का मॉडल टेस्ट पेपर 2021 जैक बोर्ड क्लास 10 का सेट सेकंड को देखने वाले हैं। और इससे पहले हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री का सभी क्वेश्चनों को कर चुके हैं, तो आज का सेशन में हम लोग बेसिकली बायोलॉजी का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। और जिस टाइप से मॉडल टेस्ट पेपर में सेट बाय सेट यहां पे दिया जा रहा है, इसी पैटर्न पे जो है 2021 का मैट्रिक्स का एग्जाम भी होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं बायोलॉजी का क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या देखने वाले हैं आज के सेशन में हम लोग, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, बायोलॉजी का क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। ओके चलिए, अब यहाँ पे सही विकल्प क्या क्या है कीजिए, चयन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, तो फिश के हार्ट में कितना चैम्बर होता है, तो ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो देखिए अंडाशय भी, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मादा जनन, ठीक है, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग कौन सा नहीं है, तो अंडाशय भी है, गर्भाशय भी है, और यहाँ पे आपका क्या है, डिंब वाहिनी भी है, और कौन सा नहीं हो जाता है, एक हो जाता है शुक्राशय, ये नहीं हो जाता है, ये किसका होता है, मेल का होता है। ओके चलिए, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया, तो ये सबको मालूम है, ये क्या होगा, सॉरी ये क्या होगा, मटर का ये दाना होगा। ठीक है चलिए, तो यहाँ पे जो मेंडल थे हम लोग का साइंटिस्ट, वो क्या थे हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे, किसका पौधा को लेकर के, मटर का दाना को, पौधा को लेकर के, ठीक है, उसका दाना को लिए थे और फिर उसमें एक्सपेरिमेंट को किए थे। चलिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो धरती है इसमें सबसे बड़ा ऊर्जा का जो सोर्सेस है वो कौन सा है, तो वो होगा सूर्य भगवान, यानी कि सूर्य भगवान अगर नहीं रहेंगे तो हम लोग का सारा सोर्सेस खत्म हो जाएगा, कोयला भी नहीं मिलेगा, लकड़ी भी नहीं मिलेगा, और हम लोग भी जिंदगी में यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो सोर्सेस धरती का सबसे बड़ा एनर्जी वाला कौन सा हो जाएगा, सूर्य भगवान। ठीक है चलिए, अब आते हैं वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायित्व तो कौन है इस दुनिया में। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो तापमान जो बढ़ रहा है इसका जिम्मेवारी कौन सा गैस है, इसका जिम्मेवार है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ जाता है, रिक्त स्थानों को भरिए, तो रिक्त स्थान को हम लोग यहाँ पे भरने के लिए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, और एक चीज है, और एक क्या है, और एक हो जाएगा आपका क्लोरोफिल, यानी कि और एक क्या हो जाएगा, ये होगा क्लोरोफिल। ठीक है देखिए, ये हो गया क्लोरोफिल, जल, और एक क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यही तीनों चीज जो है फोटोसिंथेसिस के लिए हम लोग क्या हो जाएगा, आवश्यक हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जनन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज नोन एज रिप्रोडक्शन एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिप्रोडक्शन। तो जनन क्या है, जनन क्या कहलाता है, संतान उत्पन्न करने का जो मेथड है, ठीक है, संतान उत्पन्न करने का जो मेथड है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनन करते हैं, या फिर संतोषपादन कहलाता है, इसी चीज को हम लोग तीन तीन नाम से जानते हैं। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा कि परागण क्या है, यानी कि पोलिनेशन क्या हो जाएगा, तो देखिएगा पौधे में भी नर और मादा होता है, यानी पौधे मतलब फूल, ठीक है, तो फूल का जो मादा वाला भाग है वो कहाँ चला जाता है, कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है आपका नर वाले भाग में। ठीक है, तो ये जो नर से मादा वाले भाग में जो चला जाने का जो क्रिया है, स्थानांतरण है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परागण। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या बोल रहा है कि पौधे में परागकण का नर भाग, जो पौधे में जो परागकण रहता है उसका नर भाग से कहां पे चला जाता है, मादा भाग में स्थानांतरण। ठीक है,
मादा भाग में स्थानांतरण ही क्या कहलाता है, ये कहलाएगा पोलिनेशन। मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग का एक फूल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, फूल है, ठीक है, इस तरीके से एक फूल है और यहाँ पर भी एक तरीके से हम लोग का यहाँ पे फूल है, ओके, इतना बात समझ में आ गया। चलिए, तो अगर ये नर का ये वाला नर, ये यहाँ से नर का भाग मादा में अगर हम लोग का यहाँ पे ये चला जाता है, ठीक है, तो देखिए इसका नर वाला भाग कहाँ पे चला गया, ये चला गया आपका मादा वाला भाग में, तो इसी जो स्थानांतरण हुआ, किसका स्थानांतरण, ये हुआ परागकण का स्थानांतरण हुआ, तो इसी स्थानांतरण को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे परागण यानी कि पोलिनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श ईंधन के दो विशेषताएं को लिखिए। आदर्श ईंधन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छाप लो, ये पेपर का खोपड़ी में आएगा ही, ठीक है, ये चलिए ये पेपर में आएगा ही। आदर्श ईंधन का दो विशेषता लिखिए और अथवा में क्वेश्चन क्या है, बायोगैस के दो लाभ लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीवीआई। चलिए इसका आंसर को हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए दो बोला है वहां पे और हम यहाँ पे आठ आठ आप लोग के सामने में ला के रखे हुए, तो आदर्श ईंधन का विशेषता क्या हो जाएगा, जो हर जगह मिले आसानी से हर जगह उसको आसानी से क्या हो, उपलब्ध हो, वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसा चीज हो गया, राख जैसा चीज हो गया, ये सब उत्पन्न नहीं होना चाहिए, वो सस्ता हो, ठीक है, वो सस्ता हो और उसका उच्च उष्णीय मान हो, यानी थोड़ा सा जलाने से ही बहुत ज्यादा क्या देना चाहिए, उष्मा देना चाहिए, जलने के बाद राख ना छोड़ता हो, ठीक है, लाने ले जाने में सुविधा आसानी से हो और भंडारण में भी इसका सुविधा हो, ठीक है, भंडारण का मतलब हो गया कि रखने में इसका सुविधा आसानी से हो, और इग्निशियन टेम्परेचर यानी कि क्या बोलते हैं उसको, जो स्टार्टिंग जो तापमान है इसका भी, जैसे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको जला रहे और जल ही नहीं रहा है, उसको जलाने में भी आसानी से जलना चाहिए, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये तापमान इग्निशन जो तापमान है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो आदर्श ईंधन क्या हो जाएगा हम लोग के लिए, आदर्श ईंधन हम लोग के लिए हो जाएगा कौन, सिलेंडर, ठीक है, आदर्श ईंधन कौन हो जाएगा हम लोग के लिए, ये हो जाएगा हम लोग के लिए सिलेंडर, ठीक है, इस सिलेंडर में देखिए सब कुछ यहाँ पे आ जाता है ना, ये सिलेंडर में सब कुछ देखिए हर जगह ये उपलब्ध ही आसानी से, इसको इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये सस्ता भी यहाँ बोल सकते हैं मोदी काल में, अभी ये हो गया है थोड़ा सा महंगा, लेकिन ये सस्ता होना चाहिए, इसको हम लोग काट सकते हैं, लेकिन इसको आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका उष्णीय मान हो, क्या होना चाहिए, उच्च उष्णीय मान हो, इसको जलाने से देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक इसको जलाएगा तो उसका एक ही मान देगा, देखिए लकड़ी में क्या होता है, शुरू में तो बहुत ज्यादा तापमान देगा लेकिन धीरे धीरे कम हो जाता है, लेकिन गैस में ऐसा कंडीशन नहीं है, जलने के बाद राख ना छोड़ता हो, राख छोड़ता है क्या, नहीं, लाने ले जाने में सुविधा हो, बहुत सुविधा होता है, भंडारण में भी यानी रखने में भी सुविधा होगा और इग्निशन तापमान भी कम होगा, यानी जलाने से ये तुरंत जल जाता है, तो इसलिए क्या होगा, आदर्श ईंधन कौन हो जाएगा, ये गैस हो जाएगा। चलिए अथवा में क्या था, बायोगैस के लाभ, तो बायोगैस का लाभ क्या क्या हो जाएगा, बायोगैस है ना, बायोगैस मतलब क्या हो गया, जो गोबर से गैस को उत्पन्न करते हैं उसको हम लोग बायोगैस कहते हैं, ये पर्यावरण के अनुकूल है, ठीक है, और ये एनवायरमेंट को कोई भी खराबी नहीं पहुंचाता है और ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत ही क्या हो जाता है, उपयोगी है, क्योंकि वहां पे गाय बकरी बैल बहुत ज्यादा रहता है जिसके कारण से वहां से गोबर आसानी से मिल जाता है और उन लोग को आसानी से इस बायोगैस को भी उत्पन्न किया जा सकता है। सबसे ज्यादा बायोगैस अगर उत्पन्न करता है वो तो है तमिलनाडु स्टेट, ठीक है, याद रखिएगा इसको। बायोगैस के उपयोग करने से खाना पकाने में लगने वाली लकड़ी के उपयोग को भी कम करने और पेड़ों को भी बचाया जा सकता है। जैसे क्या होता है, देहात की महिलाएं लोग ज्यादातर गैस चूल्हा का यूज करती है, नहीं है, ठीक है, उन लोग लकड़ी का ही चूल्हा का यूज करती है, जिससे लकड़ी से खाना बनाने से क्या होगा, उन लोग को जंगल को काटना होगा, और अगर हम लोग बायोगैस से खाना को पकाएंगे तो क्या होगा इससे कि हम लोग को लकड़ी का कम यूज होगा और लकड़ी का कम यूज होगा तो जिसके कारण से हम लोग बहुत सारा बेनिफिट है। पहला बेनिफिट ये है कि जंगल को काटने से बचेगा, इन्वायरमेंट साफ सुथरा रहेगा, राख नहीं छूटेगा, पॉल्यूशन नहीं होगा, तो ये सब सारा चीज यहाँ पे है, ठीक है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर दे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारी गतिविधियां पर्यावरण को किस प्रकार से इफेक्टिव करती है, यानी हम लोग जो गतिविधियां करते हैं यानी कि मानव के द्वारा जो गतिविधियां हैं उससे पर्यावरण को किस प्रकार से इफेक्ट करती है। दूसरा क्वेश्चन, जैव भू रासायनिक चक्र क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 10 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम समझाने का कोशिश किया आप लोग को, आप लोग आंसर इससे डिफरेंट भी और अच्छा भी हो सकता है, बस हम यहाँ पे समझाने का कोशिश किए हैं। अगर मान लीजिए कि कोई धुआं वाला चीज को हम लोग जलाएंगे, ठीक है, जैसे हो गया लकड़ी, हो गया कागज, हो गया, अगर ये सब चीजों को जलाते हैं हम लोग तो इससे क्या उत्पन्न होगा, धुआं उत्पन्न होगा, और धुआं उत्पन्न होने से क्या हो जाएगा, ये होगा एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण होगा, ठीक। और अगर तथा इसे वायु प्रदूषण होता है तो ये पर्यावरण पर क्या होगा, बहुत ज्यादा इफेक्ट पहुंचाएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग लकड़ी को जलाते हैं, ठीक, तो लकड़ी को जलाने से क्या होगा, वहां से धुआं निकलेगा, राख निकलेगा, और राख धुआं निकलने से सीधे सीधे कहां पे चला जाएगा, ये चला जाएगा एनवायरमेंट में, और एनवायरमेंट में जाने के बाद क्या करेगा, ये एयर पोल्यूशन करेगा, और एयर पोल्यूशन करेगा और फिर एनवायरमेंट को ये करेगा इफेक्ट, ठीक है। चलिए अगर मान लीजिए हम जंगल को काटते हैं, दूसरी बात, अगर हम जंगल को काटते हैं तो ये असंतुलित हो जाएगा। जंगल को काटने से क्या होगा, हम लोग का जो एनवायरमेंट है ये क्या होगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा, ठीक है, जिसके कारण से क्या होगा, सही समय पर पानी नहीं आएगा, वर्षा नहीं होगा, रेन नहीं होगा, जिसके कारण से हम लोग का देश में क्या हो जाएगा, अकाल हो जाएगा, ड्राउट हो जाएगा, सूखा का स्थिति हो जाएगा। और अगर ऐसा कंडीशन हो जाता है तो हम लोग का किसान भाई और हम लोग जो किसान लोग उसे खेती नहीं कर सकते हैं, और अगर खेती नहीं होगा तो क्या होगा, हम लोग का घर में अनाज नहीं आएगा, सभी कोई भूखे रहेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे कितना सारा कुछ यहाँ पे लिखने को है, ठीक है। और उद्योगों से निकलने वाली अवशिष्ट पदार्थ, जैसे कि फैक्ट्री से हो गया, तो फैक्ट्री से जितना भी चीज जो कूड़ा कचरा निकलता है सभी को हम लोग कहाँ पे रख देते हैं, डायरेक्ट कहाँ पे ले जाके रख देते हैं, ये नदियों में बहा दिया जाता है और जल में इसको डाल दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, जल का प्रदूषण होता है, और मछलियां इससे क्या होगी, इससे काफी मात्रा में डेथ हो जाएगी। तो बोलने का मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग धुआं वाला चीज को जलाते हैं या फिर जंगल को काटते हैं या फिर हम लोग फैक्ट्री से निकलने वाले सभी कूड़े कचड़ों को डायरेक्ट हम लोग नदी में बहा देते हैं, तो इससे क्या होगा, सीधे सीधे हम लोग का वायु है ना, जल, और इस तरीके से पूरा इन्वायरमेंट जो है पोल्यूशन हो जाएगा, और इससे हम ही लोग को फिर नुकसान होगा, ठीक है। तो बोलने को तो यहाँ पे बहुत सारा कुछ बोला जा सकता है, लेकिन आपको शॉर्ट में इसको यहाँ पे हमको समझाने का जरूरत है, ठीक है। चलिए अथवा में क्या है, अथवा में हम लोग के सामने जीव भू रासायनिक चक्र क्या कहते हैं। देखिए जीव है ना, भू रासायनिक चक्र या फिर जैव भू रासायनिक चक्र, दोनों में ही किसी को बोल सकते हैं, बायो जियोकेमिकल साइकिल। देखिए सभी प्रकार के परिस्थितियां तंत्र अपने अंतर्गत पोषक रसायनों का जैविक अवयव में संग्रह करने, उन्हें सुरक्षित रखने, किंतु पादप के विनाश के पश्चात उन्हें वियोजित होने अथवा सड़ने को पोषक तत्व मुक्त हो जाते हैं। देखिए एक बात को समझिएगा, सिंपल सा हम बात एक समझाना चाह रहे हैं, जैसे कि एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है ना, तो इसके अंदर शरीर में बहुत सारा क्या है, बहुत सारा क्या है, विटामिन है ना, इस शरीर के अंदर में आपका ऑक्सीजन भी है, ठीक है, इस अंदर विटामिन भी है, इस शरीर के अंदर में बहुत सारा चीज है। अगर ये मान लीजिए कि ये डेथ हो जाता है एक दिन, तो ये शरीर कहाँ पे चला जाएगा, धरती पे चला जाएगा, और धरती में जाने के बाद ये कहाँ पे मिल जाएगा, ये मिल जाएगा मिट्टी में। जैसे हड्डी के अंदर में क्या है, कैल्शियम है, तो कैल्शियम जब मिट्टी में मिल जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, मिट्टी में, मिल जाने से कैल्शियम चला जाएगा मिट्टी में। फास्फोरस भी है, तो फास्फोरस भी कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा मिट्टी में। तो इसी तरीके के शरीर में हर कुछ है, तो सब कुछ जब होने के बाद ये जब मिट्टी में चला जाएगा तो फाइनली हम लोग का शरीर से कहाँ चला जाएगा, ये मिट्टी में चला जाएगा। उसी तरीके से क्या होता है, एक पौधा है, तो पौधा में भी बहुत सारा विटामिन, बहुत सारा खनिज लवण है, जब ये डेथ हो जाता है तो फाइनली ये कहाँ चला जाएगा, ये मिट्टी में ही चला जाता है। और इसी तरीके का रिसाइकल जो है हमारे जीवन काल में भी होता ही रहता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जैव भू रासायनिक चक्र, ठीक है, आई बात समझ में। चलिए और एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे आप लोग को, जैसे कि एक डेड बॉडी है, डेड बॉडी हो गया, डेड बॉडी में कैल्शियम है, कार्बन है, बहुत सारा चीज है वहां पे, ठीक है,
तो अब यहाँ पे आपका कैल्शियम हो गया, कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, जैसे ये डेथ हो जाएगा कहाँ पे जाएगा, ये मिट्टी में चला जाएगा, ठीक है। और जो चीज उड़ने वाला चीज है, जैसे कि यहाँ पे अमोनिया है तो ये सब उड़ के चला जाएगा ऊपर, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन है तो अमोनिया से क्या निकलेगा, नाइट्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, और सभी यहाँ पे चल जाएगा उड़ के वायुमंडल में। तो इस तरीके से वायुमंडल से ही आया था और फिर से कहाँ पे पहुंचेगा, ये वायुमंडल में ही पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, जैव भू रासायन चक्र बोलेंगे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या है। यहां पे क्वेश्चन हम लोग के सामने में, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए यहां पे मानव पाचन तंत्र का सारा कुछ यहां पे दिया हुआ है, ठीक है, देख लीजिएगा इसको। और मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामित यहाँ पे करने के लिए बोल रहा है, और इसको भी हम लोग, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। सारा कुछ यहाँ पे फिगर में आपको दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। आमाशय में भोजन का पाचन का वर्णन कीजिए, ठीक है। आमाशय में भोजन के पाचन का क्या करना है, वर्णन करना है, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है कि भोजन का पाचन का 5 स्टेप है, ठीक है, लेकिन उसको नहीं लिखना है। ये कहां का बात कर रहा है, ये बोल रहा है कि आमाशय का बात कर रहा है, आमाशय का यानी पेट में जो है उसका वर्णन इसको करने के लिए बोल रहा है, नहीं तो 5 स्टेप आपका हो जाता है ना वहां पे, है ना। चलिए लेकिन यहाँ पे बस इसको करने बोल रहा है आमाशय में। तो देखिए क्या बोल रहा है कि भोजन पेट में करीब 3 घंटे तक क्या होता है, इसको पीसा जाता है, ये मालूम है आप लोगों को, ठीक है। इस दौरान भोजन का जो बड़ा भाग है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में ये टूट जाता है, ठीक है, और ये तोड़ दिया जाता है। जब भोजन को 3 घंटे तक पेट के अंदर में क्या जाता है, इसको चक्कर की तरह ये पीसा जाता है, और इसको पीसने से क्या होगा, ये भोजन का जो भाग है, टुकड़ा है, बड़े बड़े टुकड़ों से ये छोटे छोटे टुकड़ों में ये टूट जाता है, ठीक है, और ये अर्ध ठोस बन जाता है, अर्ध ठोस, और पेट की दीवारों में, और जो इस अर्ध ठोस बनता है इसके अंदर में जितना भी अच्छा चीज है ना, पेट की दीवारों में उपस्थित ग्रंथिका, आमाशय, रस का जो निकलता है, और इन 3 पदार्थ होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन और एंजाइम और म्यूकस, ठीक है। 3 घंटे तक पेट में पीसा जाता है इसको, भोजन का टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में किया जाता है, और जो पेट का दीवार में जो है वो, वहां से एक क्या निकलता है, आमाशय रस निकलता है, और इस आमाशय रस में 3 पदार्थ होता है, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक होता है पेप्सिन, और एक होता है आपका एंजाइम, और यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हम लोग का भोजन को पाचन करने में ये करता है सहायता, ठीक है। चलिए दूसरा क्या बोल रहा है, यहाँ पे पाचन तंत्र में प्रोटीन का वर्णन कीजिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण भोजन अम्लीय नेचर का हो जाता है, हम लोग का पेट में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और इसी के कारण से ये अम्लीय नेचर का हो जाता है, और पेप्सिन एंजाइम बहुत ही छोटे कणों को बनाने के लिए उत्तरदायित है, और ये पेप्सिन जो एंजाइम है, ये पेप्सिन एंजाइम छोटे छोटे कणों को बनाने के लिए उत्तरदायित है, और जैसे ही हम लोग का शरीर में प्रोटीन आता है तो इसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, इसको डाइजेस्ट करने का काम आप लोग का HCL तथा एंजाइम, ठीक है, भोजन को तोड़कर एमिनो अम्ल में परिवर्तन कर जाता है, और यही छोटी आंत में चला जाएगा, और उसके बाद वहां पे वो क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो जाता है। चलिए यहां समझ में आ गया, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब यहां पे क्या आता है, अनुवांशिकता में मेंडल का क्या योगदान था, अनुवांशिकता में मेंडल का क्या योगदान था। चलिए और दूसरा क्वेश्चन क्या है, दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, अनुवांशिकता में मेंडल का क्या योगदान था। देखिए हम पूरा डिटेल्स में यहाँ पे बताने का कोशिश किए आप लोग को, और संक्षिप्त जानकारी देने का कोशिश किए यहाँ पे डिटेल्स में, है ना। तो चलिए यहाँ पे क्या, जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिकता की सूक्ष्म क्रियाविधि, है ना, के अनुवांशिकता के प्रभाव एवं अनुवांशिकता से संबंधित परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अनुवांशिकता कहते हैं। फिर से देखिएगा यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा था, अनुवांशिकता में मेंडल का क्या योगदान था ये पूछा था, लेकिन हम लोग पहले इसका परिभाषा दिए, आप लोग का इससे 2 चीज क्लियर हो जा रहा है कि परिभाषा भी और क्या योगदान था वो भी समझ में आ रहा है।
तो जीव विज्ञान का वो शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिकता का क्रियाविधि और अनुवांशिकता का क्या संबंधित परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनुवांशिकता कहलाती है। ठीक है, जैसे कि एक पीढ़ी में कोई बच्चा छोटा रह गया, उसका बेटा अगला पीढ़ी में लंबा हो गया, तो ये सब चीज कैसे परिवर्तन होता है, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, अनुवांशिकता का सिद्धांत को इसी के द्वारा जाना जाता है। तो मेंडल जो थे हम लोग का 1822 से 1884 तक ने जीव विज्ञान की इस शाखा अनुवांशिकता के अति महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। अब यहां से दो क्वेश्चन आपका आ गया, पहला क्वेश्चन अनुवांशिकता क्या है, देखिए यहां पे क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, अनुवांशिकी का जनक किसको माना जाता है, देखिए यहां से क्वेश्चन दूसरा हो गया। और उन्होंने और एक क्वेश्चन को पूछ सकता है कि इसने अनुवांशिकता को दर्शाने के लिए किस पौधे का यूज किया था, तो ये होगा मटर का दाना। तो देखिए यहां पे तीन तीन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहां से, दो क्वेश्चन यहां से, और ये तीसरा क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है। अब इसका क्या योगदान था, तो देखिए योगदान यहां से दिया कि प्रभाविकता का नियम। ठीक है, संकरण में भाग लेने वाले पौधे का जो गुण होगा उसको प्रकट करने के लिए और अप्रभावी गुण क्या हो जाता है, ये छुप जाता है। ठीक है ना, चलिए दूसरा क्या होगा, पृथक्करण का नियम। युग्मों की रचना के समय कारणों को जोड़े के कारण अलग अलग हो जाते हैं, इन दोनों में केवल एक युग्म में नहीं जाते हैं, यानी कि जो गुण है वो अगला पीढ़ी, जैसे कि मान लिया जाए एक माता है एक पिता है, अगला पीढ़ी जैसे ही जाएगा उसका गुण माता पिता का दोनों का अगला गुण अगला पीढ़ी में ही चला जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो गुण है ये दोनों एक युग्म में वो चला नहीं जाता, ये अलग अलग गुण। देखिए माता का भी कुछ गुण इस बेटे में जाएगा और ये पिता का भी गुण इस कुछ बेटे में जाएगा। उसी तरीके से मटर का दाना, एक लंबा वाला मटर का दाना ले लिया गया और छोटा वाला मटर का दाना ले लिया, तो ये जितना छोटा था अब जो अगला वाला जो पौधा बनेगा उतना छोटा नहीं होगा, अब इसमें जितना लंबा पौधा था, मान लीजिए एक लंबा छोटा पौधा और एक लंबा पौधा का लेते हैं मटर का दाना, तो इस लंबा छोटा पौधा का मटर का दाना और इस लंबा पौधा का मटर का दाना को ले लेते हैं, तो अगला जो पीढ़ी वाला मटर का दाना बनेगा वो थोड़ा कैसे बनेगा, मीडियम आकार का बनेगा, ना छोटा बनेगा ना लंबा बनेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये चलता रहता है। ठीक है, चलिए अब तीसरा हो जाएगा अपवाहन का नियम। ठीक है, अपवाहन का नियम, जीव गुण के कारण एक दूसरे को इफेक्टिव किए बिना अपने आप उन्मुक्त रूप से युग्मों से हो जाते हैं और अपने आप को प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए द्विसंकरण क्रॉस की दूसरी पीढ़ी के संतान में भी ये कारकों के गुण अलग अलग दिखाई देते हैं अथवा पीढ़ी में अपने प्रभावी गुण ही आते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा इसको। अब यहाँ पे क्या है, दोहरा निषेचन, ये किसको कहते हैं उसको यहाँ पे दिखाया गया। ठीक है, पुष्पी पौधों में संलयन क्रिया में तीन केंद्रक होते हैं। ठीक है, एक युग्मक तथा दो ध्रुवीय केंद्रीय, अतः प्रत्येक पुष्पकोश में दो संलयन, युग्म संलयन तथा त्रिसंलयन होने की क्रिया विधि को ही क्या कहते हैं हम लोग, दोहरा निषेचन कहते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग सारा चीज को यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए ये हम लोग का बायोलॉजी सेशन था और इस बायोलॉजी सेशन को हम लोग बहुत ही डिटेल्स में देखें। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग वहाँ पे फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी 2021 मॉडल टेस्ट पेपर सेकेंड और क्वेश्चन को देख चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक को हम डाल देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।